नमस्कार दोस्तों, आज फिर वापस हम उसी डिस्कशन पे आ गए। क्या लॉकडाउन हो रहा है, जिम्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स ने ऑलरेडी जिम बंद कर दिए हैं। जैसे आपको पता है, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया, झारखंड ने बंद कर दिए हैं, राजस्थान ने बंद कर दिए हैं जिम्स, कर्नाटका 50% कैपेसिटी पे जिम आ गए हैं। और हर दिन के साथ ये चिंता हम सबके लिए बढ़ती जा रही है कि अगर जिम बंद हो गए तो हम क्या करेंगे, क्या हमें कोई सपोर्ट करेगा, हमें कोई सब्सिडी मिलेगी, हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। बस यहाँ पर आते ही हम सब लोगों को लग रहा है कि अब ये इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होने जा रही है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखद समय है सबके लिए। तो मेरी एक ये वीडियो का मतलब आज ये भी था कि जिन स्टेट्स में जिम अभी बंद नहीं हुए हैं उन सब लोगों को अवगत कराना, उन सब लोगों को इंटीमेट करना कि कोई ऐसी फ़ोटो या वीडियो मत डालना सोशल मीडिया पे जो कि वायरल हो जाए, जिसमें आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है या फिर आपके जो मेंबर्स है उन्होंने मास्क नहीं पहना है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी जहाँ पर ग्रुप क्लासेस में लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी वर्कआउट करते हुए एक दूसरे के साथ जिम में मास्क नहीं पहना हुआ। ये सारी चीज़ें नेगेटिव जाएंगी और हमारे जिम को बंद करने का नोटिस कभी भी आ सकता है। ये मैं सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बोल रहा, मैं बाकी सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए बोल रहा हूँ जहाँ पर जिम्स अभी बंद नहीं हुए हैं। हमारी रोजी रोटी किसी तरह चल रही है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, मैं उस पर डिबेट नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट खुला हुआ जिम बहुत बेटर होता है बंद जिम से। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपने सोशल मीडिया को मॉनिटर करें, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, ट्वीट्स, इन सब चीज़ों को देखें कि कोई ऐसी वीडियो, ऐसा फोटो बाहर ना जाए जो कि सरकार तक प्रेजेंट किया जा सके, ये दिखा के कि देखिए जिम्स में कोई भी एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है। प्लीज़ एसओपी फॉलो करने हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करनी है और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपके साथ साथ लाखों लोगों का रोज़गार इस पर जुड़ा है, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आपकी सेल्स स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, फिटनेस अकेडमीज हैं, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। आज महाराष्ट्र में जिम बंद होने की वजह से सब कुछ बंद है। आज मेरी एकेडमी है वहाँ पर, वो भी बंद है, कोई सेल नहीं है, ज़ीरो बिजनेस है। कम से कम बाकी स्टेट्स में भी जिम खुले हैं तो उस पर काम तो करिए। बाकी दूसरी चीज़, जहाँ पे जिम्स बंद हैं आप लोग प्लीज़ लाइजन कीजिए, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे जाके बात कीजिए। समय लगेगा बट चांसेस हैं कि जिम ओपन हो जाएँ। कर्नाटका में उन्होंने किया है, ट्रेनर्स 300-400-500 ट्रेनर्स जाके सीएम हाउस के बाहर गए, प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराया, तब जाके सीएम ने इस चीज़ की परमिशन दी कि 50% ऑक्यूपेंसी में जिम्स खुलने चाहिए। ये आपके राइट्स हैं, इसके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। हमारे लिए कोई नेता नहीं बोलेगा, हमारे लिए कोई एक्टर ट्वीट नहीं करेगा, हमारे लिए कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ट्वीट नहीं करेगा। इसको ध्यान रखना, हमें खुद ही करना है अपने लिए। पिछली बार जब जिम बंद हुए थे तो मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, जितने उनके पर्सनल ट्रेनर्स थे ना सबको हमने बोला था कि एक ट्वीट कर दो, सिर्फ एक फोटो डाल दो कि जिम खुल जाए, किसी ने नहीं डाला था। तो इसीलिए ये आपको खुद करना है, आपको खुद ये लाइजनिंग करनी है। तो राजस्थान में जितने फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, झारखंड में जितने फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, महाराष्ट्र में जितनी लॉबीज जो बन रही हैं, आप सब लोगों को आगे आना है। हमारे नेटवर्क में जितने फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, जितने जिम्स हैं, हम सब आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। एक दिन का सपोर्ट हमारी सबकी तरफ से आपके लिए है। आप प्लीज़ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, हमें जिम्स खोलने, अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। रेंटल्स इतने आए हैं, बिजली के बिल, GST, सैलरीज के बाद वैसे ही कुछ नहीं बच रहा था और जिम बंद होने का मतलब है आप जीरो पे वापस आ गए। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि लेट्स कम फॉरवर्ड एज एन इंडस्ट्री, लेट्स यूनाइट एज एन इंडस्ट्री एंड लेट्स फाइट दिस बैटल ऑफ COVID-19। थैंक यू। और इसमें आपको मेरी ज़रूरत कभी पड़े या दिल्ली जिम एसोसिएशन की ज़रूरत कभी पड़े तो आप प्लीज़ मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो आप सब इन जितने भी स्टेट्स हैं सबके लिए करेंगे हम लोग, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री वी आर वन, वी डोंट रिप्रेजेंट जस्ट दिल्ली और मुंबई, वी रिप्रेजेंट इंटायर इंडिया। तो मेरी कोई भी ज़रूरत हो या हमारी एसोसिएशन से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा एंड वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू।